दिख रहे हो ना बेटा? जी सर बिल्कुल। देखना शुरू कर दो बेटा। शाबाश। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। लिख रहे हैं फटाफट, आप लिखना शुरू करें। जी सर।
एक मिनट रुको, मैं ऊपर करता हूँ, तुम्हें शुरू से नजर आएगा। Thank you.
सर कितनी प्रॉपर्टीज हैं इसकी? बस एक ही पेज तो लिखा है अभी मैंने, क्या लिखा है ज्यादा, थोड़ा सा तो लिखा है। वो तो मुझे भी पता है लेकिन पूछ रहा हूँ हैं कितने। बस चार खत्म। ओके सर। लिख लें तो बता दीजिएगा।
लिख रहे हो ना? जी सर हो सर मेरा तो हो गया। बताओ तो सही बेटा, सब बैठे हुए ऐसे ही। मैं लास्ट में तो वो बता देगा। सहमत हो गया ना? चलो बेटा स्टार्ट लेते हैं। अच्छा बेटा आप सुने, यूनिट 70 हमारी लोकस है। लोकस होता क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं, व्हाट इज अ लोकस, सही है ना? लोकस क्या चीज है? लोकस इज अ पाथ ट्रेस्ड आउट बाय अ मूविंग पॉइंट सैटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशंस। एक पॉइंट है, वो मूव कर रहा है। अब जब वो मूव करेगा, लेट सपोज एक इंसेक्ट है, एक इंसेक्ट मूव कर रहा है। अब एक इंसेक्ट ने मूव किया 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 किया, चलते 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 एक पाथ ट्रेस हो गया। पूरे रास्ता जो उसने पूरा रास्ता जिस रास्ते पे वो चला, वो एक पूरा पाथ ट्रेस हो गया। या और प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोकस की देखना चाहते हैं तो आप देखिए अपने घर का पंखा, फैन। एक सेंटर पॉइंट है उसका, फैन का, और उस सेंटर में सर्कल घूम रहा है, फैन घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, और जो फैन रोटेट हो रहा है तो फैन की जो जो कॉर्नर पॉइंट्स है, जो जो उसकी साइड्स हैं, जो उसके एंड पॉइंट्स है, वो एक सर्कल बना रहे हैं। अगर आप देखें, फैन को आपने रोक दिया, अगर आप देखें तो फैन रुक गया। लेट सपोज रुका हुआ फैन है तो आप देखें कोई आपको सर्कल नजर नहीं आएगा, लेकिन जब फैन मूव कर रहा है और आप फैन को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है जिसपे फैन घूम रहा है, और जो पाथ ट्रेस हो रहा होगा, जो सर्कुलर बाउंड्री बनेगी, वो फैन का लोकस है। तो लोकस इज अ पाथ ट्रेस्ड आउट बाय मूविंग पॉइंट। अच्छा, इसके अलावा डोर है, आपके घर का डोर है। अब डोर आपका जो है वो खुला हुआ है या बंद हुआ हुआ है, मूव नहीं कर रहा, तो कोई पाथ नहीं है। अब अगर आप देखें, डोर है, डोर यहाँ से आपने ओपन किया तो ओपन होके जब वो घूमेगा तो वो एक पाथ ट्रेस करेगा। आपका जो डोर है जब वो मूव करेगा तो एक पाथ ट्रेस करेगा, और वो पाथ कहलाएगा लोकस। तो समझने को, जब कोई पॉइंट मूविंग पॉइंट होता है और वो घूमता है, रोटेट करता है या चलता है, तो वो एक पाथ ट्रेस करता है, उस पाथ को कहते हैं लोकस। अच्छा, अब लोकस एवे नहीं कोई किसी भी चीज के लोकस की बात हो जाएगी। हर तो ये सर्कल लोकस है। बिल्कुल सही, सर्कल लोकस है। अच्छा, अब यहाँ डेफिनेशन अगर हम देखें तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, लोकस इज अ पाथ ट्रेस आउट बाय मूविंग पॉइंट सेटिस्फाइंग सर्टेन गिवन कंडीशंस। मतलब एवे नहीं कोई लोकस बन जाएगा, कुछ कंडीशंस हैं जो मीट होनी चाहिए। तो हमारे सिलेबस में चार कंडीशंस हैं, यानी कि चार केसेस हैं जिसके हिसाब से हमें देखना है लोकस क्या क्या हो सकते हैं। तो फोर केसेस हैं लोकस के। सबसे पहला केस क्या है? सबसे पहला केस जैसे सिलेबस में आपके लिखा है वैसे ही मैंने नाम लिखा। अच्छा, केसेस बड़े आसान है। ये जो मैंने लिखा है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 लाइन, 2 लाइन, ये मैंने याद रखने के लिए लिखा है। आपके लोकस के चार केसेस आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे इंशाल्लाह जब मैं समझा दूंगा। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 लाइन, 2 लाइन, दीज आर द फोर केसेस ऑफ लोकस। याद रखने का तरीका है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 लाइन, 2 लाइन, चार केसेस मुकम्मल हो जाएंगे। अभी हम समझाएंगे ना इंशाल्लाह, तो आप खुद देखेंगे कि ये चारों केसेस कितने आसान है। अच्छा, अब सबसे पहले केस की अगर हम बात करें तो पहला पहला केस जो है वो है गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। एक मूविंग पॉइंट है और उसको एक कंडीशन लगा दी उस मूविंग पॉइंट पे। एक मूविंग पॉइंट है और वो लोकस बनाएगा, हर मूविंग पॉइंट लोकस बनाता है। तो एक मूविंग पॉइंट लोकस तो बनाएगा, लेकिन उस मूविंग पॉइंट पे एक कंडीशन लगा दी, और वो कंडीशन क्या लगा दी कि भाई आप जब मूव करें तो आपको इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे रहना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है जो घूमना फिरना चाहता है, खेलना चाहता है, यानी कि मूव करना चाहता है,
जब मूव करेगा तो उसका जो पाथ होगा वो एक लोकस होगा। आपने बच्चे को एक टास्क दिया, आपने बच्चे को कहा ये कुर्सी रखता हूं बीच में, आपने बच्चे के बीच में कुर्सी रख दी एक। मैं ये बताता हूं, देखिए ये लेट सपोज ये एक कुर्सी है, सही है, एक मिनट, सही है, मैं इसको पॉइंट से डिनोट करता हूँ, एक कुर्सी को एक पॉइंट मान लेते हैं, सही है, ये कुर्सी है और चेयर है, इसको मैं सी सी मार्क कर देता हूँ, सही है। अब बच्चे को हमने टास्क दिया, चाइल्ड, अरे बच्चे को बी से डिनोट करते हैं, बच्चे को हमने कहा बेटा तुम्हें मूव करना है चेयर के इर्द गिर्द घूमना है, और चेयर के इर्द गिर्द ऐसे घूमना है कि तुम्हारी डिस्टेंस हमेशा 3 सेंटीमीटर रहे। अच्छा, अब बच्चे चेयर जो है वो फिक्स पॉइंट है, चेयर क्या है, फिक्स पॉइंट, और ये जो बॉय है, बॉय ये मूविंग पॉइंट है। तो बॉय को मैंने कहा भाई तुम कितनी डिस्टेंस पे रहना चाहते हो, कितने डिस्टेंस पे तुम्हें रहना है, 3 सेंटीमीटर पे। तो बच्चे ने 3 सेंटीमीटर से पाथ स्टार्ट किया। अच्छा, बच्चे को बोला कि भाई तू घूम, बच्चा घूमा। अच्छा, अब अगर बच्चा यूं घूमेगा, इस तरफ जाएगा, यहाँ चला गया बच्चा, तो उसकी डिस्टेंस 3 से बढ़ जाएगी ना, तो इसका सर वो मतलब तो ये सर्कल में घूमेगा। तो इसलिए वो जा नहीं सकता कहीं और। उसको जब हमने कहा ना घूमो, तो याद रखो अगर वो चाहता है ना कि उसकी डिस्टेंस हमेशा चेयर से सेम रहे, तो जब वो घूमेगा तो वो यहाँ आया, फिर वो यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ 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 करते करते जब आया, तो हमने देखा जब ये मूव करते करते आया तो ये क्या बन गया, सर्कल बन गया। तो अगर कभी कोई मूविंग पॉइंट किसी वन पॉइंट से, किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हो, अगर कोई मूविंग पॉइंट किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर हो, तो इसका मतलब उसका जो लोकस बनेगा, उसका जो पाथ बनेगा वो एक सर्कुलर पाथ बनेगा। द लोकस इफ अ मूविंग पॉइंट पी इज एट अ फिक्स डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ, देन द लोकस ऑफ पी विल बी अ सर्कल। अब सर्कल है तो हर सर्कल का एक सेंटर होता है, एक रेडियस होता है, तो जहां से वो फिक्स डिस्टेंस पे घूम रहा है वही उसका सेंटर पॉइंट होता है, वही सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, एंड द लोकस ऑफ पी विल बी अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। और जितनी डिस्टेंस मेंटेन रखकर वो घूम रहा है वही उस सर्कल का रेडियस होगा, एंड रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये केस हो गया वन पॉइंट वाला। जब भी आपका एग्जामिनर किसी एक पॉइंट का तस्करा करेगा, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, या किसी भी एक पॉइंट की जब एग्जामिनर बात करेगा, आप फौरन समझ जाएंगे ये सर्कल वाला केस है। तो वन पॉइंट याद रखने के लिए हमने पहला केस किया वन पॉइंट, वन पॉइंट से मुराद एक मूविंग पॉइंट एक वन फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे है, फिक्स डिस्टेंस पर है और वो घूम रहा है, तो सर्कल बन रहा है। क्या पहला केस आप सबको क्लियर है? जी अच्छा सर। अच्छा, अब आते हैं केस नंबर टू पे। वन पॉइंट वाला तो केस, अब टू पॉइंट्स वाले केस पे आते हैं। केस नंबर टू, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। आप सुने, उसी लड़के की मिसाल लेते हैं। हमने कहा दो चेयर्स हैं, एक चेयर वन और एक चेयर टू। हमने दो चेयर्स रख दी और बच्चे को एक टास्क दिया। बच्चे को हमने कहा बेटा तू ऐसे घूमेगा, तुम्हें ऐसे मूव करना है कि तुम्हारी डिस्टेंस जितनी चेयर वन से हो ना उतनी ही चेयर टू से भी हो। तो हमने इसको दो फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे रहने का कह दिया। फिक्स डिस्टेंस का लफ्ज यहाँ इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि दो पॉइंट्स की बात हो रही है, तो लफ्ज इस्तेमाल होता है इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। आप देख सकते हैं इफ अ मूविंग पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंट, तो इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। तो जब दो पॉइंट्स है फिक्स्ड, एक चेयर वन एक चेयर टू, लड़के को बोला बेटा तुझे ऐसे चलना है कि तुम्हें चेयर वन और चेयर टू से सेम डिस्टेंस रखनी है। अब बच्चे ने पूछा मैं स्टार्ट कहाँ से करूं, तो हमने बच्चे को कहा बिल्कुल बीचों बीच स्टार्ट कर दो। ये जो लाइन बन रही है सी से लेकर सी वन से लेकर सी टू तक, इसके बिल्कुल बीच में तुम स्टार्ट करो।
बॉय कह रहा है यार मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अभी मेरी डिस्टेंस जो है जितनी C1 से है उतनी ही डिस्टेंस किससे है, C2 से, तो अभी तो मैं सही हूँ, अब मैं चलूँ तो कहाँ चलूँ? तो बॉय ने कहा क्या मैं राइट की तरफ यहाँ जा सकता हूँ? उसने बोला नहीं यार, यहाँ जाऊँगा तो C1 से डिस्टेंस कम हो जाएगी और C2 से ज़्यादा हो जाएगी। उसने कहा क्या मैं यहाँ यहाँ जा सकता हूँ? उसने कहा नहीं यार, यहाँ भी मसला वही होगा। उसने कहा एक काम करता हूँ, मैं सीधा चलता हूँ। तो वो सीधा चला, जब वो सीधा चला तो अब वो इस जब पाथ पे चला तो यहाँ चला, फिर यहाँ आया, 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 फिर वो नीचे की तरफ आया। अब वो जिस पॉइंट पे भी जा रहा है ना, अब वो अपनी डिस्टेंस मेजर कर रहा है। उसने कहा ये पॉइंट, जब मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ तो मेरी डिस्टेंस जितनी C2 से है उतनी ही C1 से भी है। अच्छा, जब मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ बॉय, जितनी मेरी डिस्टेंस C1 से है उतनी ही C2 से भी है। तो इसका मतलब ये जो लाइन बन रही है, जो डॉटेड मैंने बनाई है, इस पूरी लाइन पे जब भी बॉय चलेगा तो उसकी डिस्टेंस C1 और C2 से इक्वल होगी। अब सवाल पैदा होता है, ये जो डॉटेड लाइन है ये है क्या, ये है क्या चीज़? तो अगर आप नोट करें तो ये एक लाइन है जो बाइसेक्टर है। अगर आप देखें तो C1 C2 जो लाइन बनी हुई है, डॉटेड लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि अगर C1 C2 की डिस्टेंस 10 थी तो C1 से लेकर B तक भी 5 है और B से लेकर C2 तक भी 5 है। तो ये जो लाइन है डॉटेड वाली, वो C1 C2 वाली लाइन को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। और बाइसेक्ट करने के साथ साथ वो परपेंडिकुलर भी है, 90 का एंगल भी बना रही है। तो ऐसी लाइन हमने पहले भी कई दफा देखी है, ऐसी लाइन जो बाइसेक्ट भी करे और परपेंडिकुलर भी हो, यानी कि दो फंक्शंस एक साथ परफॉर्म कर रही हो, तो ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसी हाँ लाइन सर, जो परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे, ऐसी लाइन को कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट समझ आया कि अगर दो फिक्स पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और जो मूविंग पॉइंट पी है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स, द लोकस ऑफ पी विल बी अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो जो दो फिक्स पॉइंट्स हैं उनके दरमियान लाइन बनेगी और उन दोनों लाइंस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि अगर सवाल एग्जामिनर में आया और लोकस बनाना पड़ा, क्योंकि तो लोकस तो ड्रॉ करना होता है, इसके लिए आपके पास कंप्लीट ज्योमेट्री बॉक्स, स्केल, पेंसिल, कंपस, प्रोट्रैक्टर, ये सब आपके पास होने चाहिए। ये होंगे आपके पास तो ही आप जो है वो ये टॉपिक कर सकते हैं। अच्छा, अब लेट सपोज जो केस नंबर 1 था उसमें आपका लोकस वाला केस आया और आपको सर्कल बनाना पड़ा, तो आप क्या करेंगे? जिस पॉइंट से उसने जिक्र किया है, जैसे पॉइंट ओ डायग्राम में आपको नजर आ जाएगा, उस पॉइंट पे आप कंपास रखेंगे। अच्छा, स्केल की मदद से आप पहले देखेंगे कि इस कंपास को 5 सेंटीमीटर खोलना है, तो स्केल की मदद से आप कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और सेंटर पे रखेंगे। कंपास है आपका, आपने स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर उसको खोला, फिर आपने उसकी जो नोक वाली जगह है वो आपने ओ पे रखी और आपने सर्कल बना लिया। क्या ये काम बआसानी सब कर सकते हैं? जी सर। अच्छा, अब सर्कल बनाना आपको आ गया। अब केस नंबर 2 पे हमें बनाना है, दो पॉइंट्स है ए बी, एक पॉइंट है ए एक पॉइंट है बी, दो पॉइंट्स वाला केस है और आपको कहा है लोकस बनाओ, तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ये तो आप समझ गए। अब सवाल ये पैदा होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा कैसे, कैसे बनेगा? बनाया होगा यकीनन आपने, किसी ने, सब नहीं बनाया होगा, स्कूल में भी सर देखा है ना पॉइंट ये पॉइंट C1 पे रख सर, वो सी वन पहले पे कंपास रखूंगा। खोलते हैं, फिर C1 पे रख के एक आर्क मारते हैं, फिर C2 पे रख के उसको कट कर देते। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ एक बात कही जाती है कि कंपास को रखें लेकिन मोर देन हाफ खोलें, कंपास को रखें लेकिन मोर देन हाफ खोलें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं रेड से बना के बताता हूँ ये बात। मैंने कहा मैंने कंपास रखा ए पे, सही है, और मैंने मोर देन हाफ खोला। मोर देन हाफ, अंदाजन आप जब एक लाइन बनी हुई है और मोर देन हाफ खोलना है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन मोर देन हाफ मतलब सेंटर पॉइंट से कहीं आगे तक खोलना है। तो आप मोर देन हाफ खोलें कंपास को, और मोर देन हाफ खोल के कंपास को जब यहाँ से लेकर, लेट सपोज आपने यहाँ तक खोला कंपास को,
इस रेड मार्क से लेकर आपने कंपास को इस रेड मार्क तक खोला, फिर आपने ना आर्क बनाया यहाँ पर। तो आर्क आप यहाँ भी बनाएंगे और आर्क आप नीचे भी बनाएंगे, सही है। मोर देन हाफ आपने खोला और आपने एक आर्क ऊपर की तरफ बनाया, एक आर्क नीचे की तरफ बनाया। फिर आपने उसी कंपास को बी की तरफ रखा और जितना खोला हुआ था उतना ही खुला रहने दिया, और एक आर्क आपने यहाँ बनाया और एक आर्क आपने यहाँ बनाया। तो ये दोनों आर्क, दो आर्क ऊपर बने हुए हैं और एक दो आर्क नीचे बने हुए हैं। तो जो दो आर्क ऊपर जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो पॉइंट नोट किया, दो आर्क नीचे जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो पॉइंट नोट किया, और उन दोनों पॉइंट्स को एक वर्टिकल लाइन के, एक लाइन के थ्रू क्या कर लिया, ज्वाइन। तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन होगी ना वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चेक करना चाहते हैं तो अगर ए बी की डिस्टेंस आपके पास 12 दी हुई है तो ए से लेकर इस लाइन तक डिस्टेंस होनी चाहिए 6। तो आप इसको जो है वो एक बार चेक कर सकते हैं और एंगल 90 का मेजर भी कर सकते हैं। 90 का एंगल तो नजर भी आ रहा होता है कि 90 का डिग्री का एंगल बन रहा है। तो तरीका क्या हुआ कि जो दो फिक्स पॉइंट्स हैं उनका लोकस जब बनाना है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो पॉइंट ए से मोर देन हाफ खोलना है और आर बनाना है ऊपर की तरफ। ए से हमने आर कंपास खोला और आर बनाया ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी बनाया। फिर वही कंपास यहाँ रखा बी पे और आर्क यहाँ भी बनाया और यहाँ भी बनाया। दोनों आर्क जहाँ मिल रहे हैं उनको क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। जब ज्वाइन करेंगे तो वो जो लाइन बनेगी दैट वुड बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड दैट विल बी द लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट पी। क्या आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। अच्छा बेटा, अब आते हैं हम केस नंबर 3 की तरफ। अच्छा, हमने कौन कौन से केसेस पढ़ लिए? वन पॉइंट, वन पॉइंट का जिक्र जब आएगा सवाल में क्या बोलोगे, क्या बना? सर्कल। सर्कल, वन पॉइंट सर्कल। टू पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वन पॉइंट टू पॉइंट, दो केसेस खत्म। वन लाइन पे आते हैं। फिक्स डिस्टेंस, जैसे गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट था, अब गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन स्ट्रेट लाइन। वन लाइन वाला केस है कि एक लाइन गिवन है। अच्छा अब सुने, हमने जो है, हमने क्या किया, बच्चे को हम मूव करवा रहे थे, बच्चे को मुख्तलिफ एक्टिविटीज दे रहे हैं। बच्चा बड़ा क्यूरियस है, नई नई एक्टिविटीज करने के लिए बेताब है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक, समझ लें, एक स्ट्रेट वर्टिकल कोई चीज रख दी, कुछ भी हो सकता है वो वर्टिकल चीज, सॉरी हॉरिजॉन्टल चीज रख दी हमने। लेट सपोज हमारे पास क्रिकेट के दो तीन बैट्स हैं, सही है। तो हमने बहुत सारे बैट्स मिलाए तो हमारी एक लाइन बन गई। तो हमने कहा सबसे पहले हमने एक बैट रखा, उसी के आगे से हमने दूसरा बैट रखा और मिला के ना एक बड़ी सी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, सही है। अच्छा, बच्चे को हमने कहा भाई तुझे मूव करना है और ऐसे मूव करना है कि तुम्हारी डिस्टेंस इस लाइन से हमेशा सेम रहे, सही है। तो अब वो मूव करेगा, जब वो मूव करेगा तो लेट सपोज उसको मैंने कहा भाई तुझे 2 सेंटीमीटर पे रहना है। ये इसी एग्जाम्पल पे देखते हैं कि ए बी एक लाइन बनी हुई है और उस ए बी लाइन पे जो है, ए बी लाइन से मैं बच्चे को कह रहा हूँ भाई तू मूव कर, ऐसे मूव करके तेरी डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, 2 सेंटीमीटर रहे। तो बच्चे ने मूव करना शुरू किया। अब बच्चे ने जब मूव करना शुरू किया तो वो ऊपर मूव करेगा तो ए बी से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा। जैसे यहाँ है, मैं रेड मार्क से मार्क करता हूँ, जब बच्चा यहाँ है तो 2 सेंटीमीटर पे, थोड़ा आगे आया तो 2 सेंटीमीटर पे, थोड़ा और आगे आया तो 2 सेंटीमीटर पे था, आगे आता रहा। जब वो चलता रहा तो उसने नोट किया कि यार एक लाइन है, अगर मैं इससे पैरेलल चलना चाहता हूँ तो मैं बस चलता रहूंगा सीधा 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 सीधा, तो एक पैरेलल लाइन बन जाएगी। अच्छा, अब ये बॉय जो है, जो स्ट्रेट लाइन है उसके इस तरफ भी चल सकता है और इस तरफ भी चल सकता है, इस लाइन से पीछे की तरफ भी आ सकता है और इस लाइन से आगे की तरफ भी आ सकता है, दोनों तरीके से बॉय मूव कर सकता है। तो बॉय के पास मूव करने का ऑप्शन ये इस तरफ है या फिर वो पीछे की तरफ इस तरफ मूव कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक फिक्स्ड लाइन हो, जब वन लाइन हो और एक मूविंग पॉइंट को मूव करना हो, तो मूविंग पॉइंट जब मूव करेगा उससे फिक्स्ड डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए चलेगा, तो उसका जो पाथ होगा, जो मूविंग पॉइंट का पाथ या लोकस जो होगा, दैट विल बी अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। वन पेयर पैरेलल लाइन नहीं है,
अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, मतलब दो पैरेलल लाइंस बनेंगी दोनों अलग अलग जगह पे, ईच ऑफ विच विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी. तो केस क्या है, इफ अ मूविंग पॉइंट पी इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लाइन ए बी, देन द लोकस ऑफ पी विल बी अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस ईच ऑफ विच विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी. यही बात मैंने यहाँ बहुत डिटेल में लिखी थी, और मैंने ए से लेकर बी तक जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है ये हमारा फिक्स लाइन है, और जो ब्लू में मैंने बनाया है ब्लू से वो पी का लोकस है. तो पैरेलल लाइंस का मैं साइन भी बना देता हूँ, ये हमारी पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइन 1, पैरेलल लाइन 2, सही है, एंड दिस इज द लोकस ऑफ पी. क्या आपको तीसरा केस समझ आ गया है सर? इस लाइन से अगर 2 सेंटीमीटर का सिर्फ डिस्टेंस रखना है तो वो मतलब लाइक डायगोनली भी 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस नहीं हो सकता? डायगोनली नहीं ना, पूरी लाइन से रखना है डिस्टेंस, मतलब एक पॉइंट से नहीं करना. अब जैसे तुम कह रही हो ना ये पॉइंट ए है ना, अब 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ए से नहीं रखनी, पूरी लाइन से डिस्टेंस रखनी है. तब तुम एक पाथ रखो, एक लाइन रखो, और तुम डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहती हो पूरी लाइन से, किसी पॉइंट से नहीं पूरी लाइन से, तो तुम कहाँ चलोगी? लेट सपोज यहाँ चली, फिर तुमने थोड़ा सा आगे चली, तुमने कहा डिस्टेंस मेंटेन रहे, मतलब जो तुम्हारा पूरा चलता हुआ पाथ बने ना, पाथ पूरा जो पाथ बने, मतलब तुम चलोगी तो तुम्हारे पाथ भी एक लाइन होगी, तुम्हें स्ट्रेट चलना है, और जब तुम पूरे चलोगी तो तुम्हारी जो पूरा पाथ बने वो ए बी से सेम डिस्टेंस पर हो. तुम्हारा जो पूरा पाथ है तो पूरा स्ट्रेट लाइन जिस पे तुम चल रही हो वो ए बी से सेम डिस्टेंस पे हो. तो अगर तुम डायगनली चलोगी तो कोई एक इक्का दुक्का पोजिशन होंगी जो तुम्हारी सेम पोजिशन पे होंगी, 2 सेंटीमीटर पे होंगी, बाकी पूरा जो पाथ होगा वो ए बी से फिक्स डिस्टेंस पे नहीं होगा. ठीक है, सही है. तो पैरेलल लाइंस की तरह ही आप मूव कर सकते हैं, वरना आपकी डिस्टेंस चेंज हो जाएगी. ये आपका केस नंबर 3 था. तो 1 पॉइंट, जब एग्जामिनर 1 पॉइंट का जिक्र करे आपके जहन में आएगा सर्कल, 2 पॉइंट का जिक्र करे आपके जहन में आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 1 लाइन का डिस्कस करे आपके जहन में आएंगी 2 पैरेलल लाइंस, एक ऊपर एक नीचे. अब आ जाते हैं केस नंबर 4 पे. 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 लाइन एंड नाउ 2 लाइन इक्विडिस्टेंट. जैसे 2 पॉइंट्स में इक्विडिस्टेंट का इस्तेमाल हुआ था कि मूविंग पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 फिक्स पॉइंट्स, इसी तरह अब केस 4 में इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 गिवन इंटरसेक्टिंग लाइन. जैसे एक और बात, ये पैरेलल लाइंस बनाएंगे कैसे? जैसे ए बी बना हुआ है तो पैरेलल लाइंस बनाने के लिए ना अलग अलग बातें बताई जाती हैं. यहाँ तक कि कुछ लोग कंपस से भी सिखाते हैं कि भाई आपने जो है वो कंपस बनाया, मैं रेड से बनाता हूँ ताकि आप समझ पाएं, आपने ए बी से 2 सेंटीमीटर की लाइन खोली, आपने ए बी मतलब आपने स्केल के थ्रू 2 सेंटीमीटर कंपस खोला और आपने ना एक आर्क बनाया ऊपर की तरफ, एक आर्क बनाया, फिर आपने यहाँ आके भी एक आर्क बनाया. अच्छा, अब जो आर्क के मैक्सिमम पॉइंट्स है ना, टॉप पॉइंट्स, उन टॉप पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया. जब टॉप पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पैरेलल लाइन बन गई. इसी तरह यहाँ से भी एक आर्क बनाया नीचे की तरफ, यहाँ से भी नीचे की तरफ बनाया, और फिर उनके मिनिमम पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया तो पैरेलल लाइन बन गई. बहरहाल यहाँ पर एग्जामिनर मार्किंग स्कीम में इस तरह की कोई बात नहीं करता कभी कि आर्क बना के ही पैरेलल लाइन बनाई जा सकती है. अगर आपकी विजन इतनी क्लियर है कि आप देख सकते हैं, अच्छा पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस which never meet and which are always at a fixed distance. मतलब distance हमेशा same रहती है. Distance between the two parallel lines never change. अगर distance change होगी तो मिल जाएंगी. तो parallel lines वो होती हैं जो कभी मिलती नहीं है, जो हमेशा ऐसे चलती हैं कि मिलती नहीं है. और मिलती नहीं है इसका मतलब ये है कि उनके दरमियान distance हमेशा same रहती है. तो अगर आप 2 सेंटीमीटर मेजर करके, जैसे आपने ए बी पे स्केल रखा और आपने 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेजर करके एक पॉइंट ऊपर मार्क किया, एक ऊपर मार्क किया, और आपने पैरेलल लाइन सक्सेसफुली 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में सही तरह बना ली, तो आप बस एक चीज़ चेक कर लिया करें कि अगर आप इस तरफ देखें 2 सेंटीमीटर है तो थोड़ा आगे जाके भी चेक कर लिया करें 2 सेंटीमीटर है, 2-3 जगहों पर चेक कर लें. ऐसा तो नहीं कि शुरू में 2 सेंटीमीटर है आगे जाके 2.2 हो गया या 2.4 हो गया, तो वो मेजर करके कर सकते हैं. अंदाजन भी आप पैरेलल लाइंस प्रॉपर तरीके से अगर बना सकते हैं तो बनाने की इजाज़त है, कोई मसले वाली बात नहीं. बात समझ गए? जी सर. अच्छा, केस नंबर 4 की बात कर रहे थे.
इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने एक लाइन बनाई ए बी, सही है। हम अपने रूम में हमने एक लाइन ड्रॉ की ए बी और एक लाइन ड्रॉ की ए सी। जाहिर सी बात है ए बी और ए सी मिल रही है, तो यहाँ केस कहता है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस। एक तो दोनों लाइंस जो है वो स्ट्रेट है और दूसरा इंटरसेक्टिंग है, दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो एक लाइन है बी ए और एक लाइन है सी ए, दे आर इंटरसेक्टिंग। तो हम बच्चों को एक्टिविटीज पे एक्टिविटीज करवाए जा रहे थे, बच्चा बड़ा मोटिवेट हो रहा था। हमने कहा बेटा तुझे लास्ट एक्टिविटी करवाते, तेरा दिल खुश हो जाएगा। तो हमने एक लाइन बनाई ए बी, एक लाइन बनाई ए बी और फिर दूसरी लाइन बनाई ए सी। जब दोनों लाइन हमने बनाई तो हमने बच्चे को कहा तुझे अब ऐसे मूव करना है, तुम्हें ऐसे मूव करना है कि तुम्हारी डिस्टेंस जितनी ए बी से हो, तुम्हारी डिस्टेंस जितनी ए बी से हो उतनी ही तुम्हारी डिस्टेंस ए सी से होनी चाहिए। तो जब उसको ये पता चला कि मुझे दोनों से बराबर डिस्टेंस रखकर चलना है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि दोनों से मेरे डिस्टेंस बराबर हो जाए। तो अब वो बिल्कुल दोनों लाइंस के बीच में चलना शुरू हो गया। वो यहाँ चला, फिर वो यहाँ आया, वो देख रहा था कि हाँ मेरे डिस्टेंस दोनों जगह सेम है। फिर वो यहाँ आया, यहाँ आया। जब वो चलता रहा तो एक लाइन बन गई। जब उस लाइन को हम देखेंगे ना, तो दैट लाइन विल बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बी ए सी। मतलब ये समझें कि अगर एंगल बी ए सी जो है वो 50 डिग्री है, अगर आपका एंगल बी ए सी जो है वो 50 डिग्री का है, आपका एंगल बी ए सी अगर 50 डिग्री का है, तो बच्चे को ऐसे चलना है कि जो उसकी लाइन बने, जो उसका पाथ बने, जो उसका लोकस बने, उसका एंगल बी ए बी वाली लाइन से भी 25 का हो और ए सी वाली लाइन से भी 25 का हो। इसका मतलब उसकी जो लाइन बनेगी, दैट विल बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बी ए सी। तो अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पे, दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पे एक एंगल बन रहा होगा यकीनन। तो उस एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए एक लाइन आ रही होगी, दैट लाइन विल बी नोन एज एंगल बाइसेक्टर। चले, आपको समझ आ गया कि जब दो लाइंस वाला केस आएगा तो आपको एंगल बाइसेक्टर बनाना है। सवाल ये पैदा होता है, ये एंगल बाइसेक्टर बनता कैसे है? हाँ बेटा, आइडिया है कुछ कैसे बनता है एंगल बाइसेक्टर? सर आर्क से भी बन सकता है वो। कैसे बनता है बताएं जरा। सर ए पे रख के पहले दोनों साइड पे बना ले, फिर जो जिस पे बनाओ उससे बना के बीच में दोनों को बना दे, जहाँ पे मिल रहे हैं वहां से लाइन लेके गुजार लें बीच में से। क्या बात है अब्दुल गफूर, तुम तो बचपन से लगता है लोकस ही पढ़ रहे हो। थोड़ा आइडिया हो गया था सर। जबरदस्त किया है ना, स्कूल में भी किया होगा ना टॉपिक? जी लेकिन ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था सर, याद नहीं मुझे उसे। अब समझ आ गया जी सर, सही कॉन्सेप्ट बनाए नहीं बनाए? बिल्कुल। बच्चे को सही एक्टिविटी कराएंगे ना? भगा भगा के उसको फुल टाइम थका दिया है, अब उसका सोने का टाइम हो गया, वो आराम से खाना वाना खा के सोएगा सुकून से। जी सर, चलते हैं फिर, गुड नाइट सर। मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा सुने, अब तरीकेकार जो उसने बताया गफूर ने, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने ए से ए, आपने कंपस को थोड़ा अंदाजन खोल लिया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आपने अंदाजे से खोला और आपने ए ए पे रखा, कंपस की नोक को ए पे रखा, और ए पे रखने के बाद, ए पे आपने रखा और ए पे रखने के बाद आपने एक आर्क यहाँ बनाया और एक आर्क यहाँ बनाया, सही है? मैं फिर बता रहा हूँ, एक आर्क आपने यहाँ बनाया, एक आर्क आपने यहाँ बनाया, फिर आपने जहाँ आर्क बनाया है उस पॉइंट पे आपने रखा कंपस और एक आर्क यहाँ बनाया, और फिर आपने यहाँ कंपस रखा हुआ है, यहाँ रख के एक आर्क यहाँ बनाया। तो ये जो आर्क्स मिल गए जहाँ, इसको आपने ए पॉइंट से ज्वाइन कर दिया और लाइन को कर दिया एक्सटेंड, तो बन गया एंगल बाइसेक्टर विच इज द लोकस ऑफ पी। मैं रिपीट करता हूँ, कंपस को अपने अंदाजन डिस्टेंस से खोलना है और खोल के एक आर्क आप पहली लाइन पे लगाएं और एक आर्क आप दूसरी लाइन पे लगाएं, फिर कंपस को ए से उठा के आप यहाँ रखें और बीच में एक आर्क बनाएं।
फिर कंपास को ऊपर रखें और बीच में एक आर्क बनाएं, दोनों आर्क जहां मिल जाए उसको ए से ज्वाइन कर दें, तो एंगल बाइसेक्टर आपके सामने आ जाएगा। क्या आपको ये चौथा केस भी समझ आ गया है? बिल्कुल सर। बनाने भी आ गया, तरीकेकार कोई डाउट तो नहीं है? जवेरिया समझ आ गया बेटा? जी सर। तुमने लोकस तो नहीं पढ़ा होगा स्कूल में यकीनन, है ना? नहीं। सही है, ये चार केसेस के हमने मुताला कर लिया। अब आपको शॉर्ट में याद रखना है, जब एग्जामिनर वन पॉइंट का जिक्र करेगा, इसको हटा दिया, जब एग्जामिनर टू पॉइंट का जिक्र करेगा तो क्या आएगा, क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब एग्जामिनर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वन लाइन का जिक्र करेगा तो क्या बनाएंगे? पैरेलल लाइंस। जब एग्जामिनर एक पॉइंट का जिक्र करेगा तो क्या बनाएंगे? सर्कल। और जब एग्जामिनर दो लाइंस का जिक्र करेगा तो क्या करेंगे? एंगल बाइसेक्टर। अरे भाई तुम लोग तो यार छा गए हो लड़के हो, वेरी गुड, जबरदस्त। वन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने के बाद कौन इच्छा, वन पॉइंट टू पॉइंट वन लाइन टू लाइन, खत्म हो गया आपका लोकस, और बोले। अच्छा बेटा अब करना पता है ना, समझ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? बिल्कुल बहुत ज्यादा। अच्छा बेटा सुने, सबसे पहले जो है ना मैं कहना चाहूंगा कि अब हम इसको इनइक्वालिटीज में लाते हैं, क्योंकि आपके सवाल में बाज औकात लोकस के साथ साथ इनइक्वालिटीज आ जाती हैं। इनइक्वालिटीज का थोड़ा आइडिया, मतलब इनइक्वालिटीज का एक टॉपिक हमने पढ़ा था अगर आप याद रखें, लेकिन अब लोकस के अंदर इनइक्वालिटीज आएंगी तो कैसे डील करना है उनको, इसको हम देखते हैं, इस टास्क को वन बाय वन करके देखते हैं। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक मिनट। अच्छा बेटा इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट संडे भी क्लास होगी, आपको पता है ना? नहीं सर। ठीक है, हर संडे को एक घंटे की क्लास फिक्स कर देते हैं, लेकिन दो से चार मुश्किल होगा क्योंकि मैं सेंटर में भी एक्स्ट्रा क्लास दूंगा ना, तो सेंटर में मैं चार ऑनवर्ड्स रख लूंगा, तुम लोगों की मैं दो से तीन रख लूंगा एक घंटे हर संडे को। अगले संडे शायद दो घंटे ले लूं, क्योंकि अगले संडे शायद सेंटर पे क्लास ना हो, मैच वगैरह है तो मसले मसाइल होंगे रोड पे, तो फिर अगले संडे को जो है ना हम एक दो घंटे की क्लास लेंगे। संडे को मेरी क्लास होती है सर, आज क्लास नहीं थी, आज सैटरडे है ना? नहीं आज संडे सर, आज थी सुबह को 10 बजे, तो सर ने कैंसिल करके ना 3 से 5 कर दिया, तो मैंने सर को बोला सर ये क्या सर मेरी क्लास है अभी, तो सर ने क्लास ही कैंसिल कर दी सर। ये कब रखी इन्होंने? अच्छा तो वैसे क्या टाइमिंग होती है नॉर्मली? सर पता नहीं सर, पहले के शुरू के दिनों में सर 11 से 1 था, फिर 1 से 2 हो गया, फिर 3 से 5 हो गया, समझ नहीं आ रहा सर। तो हम कुछ देख लेंगे, ऐसी थ्रेडिंग बना लेंगे कि तुम्हारे टाइमिंग से पहले हम फारिग हो जाएं, क्या कहते हो? क्या बात है सर, वो मसला नहीं है, क्लास तो हम रखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ताकि आप लोग जल्द से जल्द कोर्स करें ना फिर यार। सर वरना फिर रात को रखेंगे 9 से 10। क्या कह रहे हो बेटा? यूनिट 7 का अगले हफ्ते टेस्ट है। अच्छा एक मिनट रुको, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। कहाँ चले गए सर आप?
हाँ बेटा जी करे स्टार्ट। हाँ बच्चों कहाँ हूँ? यहीं पर है सर, और कहाँ जा सकते हैं? चले बेटा लिखना शुरू करते हैं इनइक्वालिटीज में। अच्छा हमें पता है इनइक्वालिटी के टॉपिक में हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन हो या लेसर देन हो, जो भी लोकस बनेगा ना वो डॉटेड बनेगा। तो हम कह रहे हैं डॉटेड लोकस बनाएंगे। और ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेसर देन इक्वल्स टू अगर होगा तो सॉलिड लोकस बनेगा। अच्छा अब मैं स्टार्ट दे रहा हूँ, पहले वाले केस से हम बात करते हैं। एक मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट पी है, सही है। और आपके सवाल केस नंबर वन में कुछ इस तरह दिया हुआ है। केस नंबर वन में उसने एग्जामिनर ने लिखा पी ए इज लेसर देन इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अच्छा आपने कहा यार पी तो मूविंग पॉइंट है, ये साथ साथ देखते जाते हैं बेटा। आपने कहा ये केस नंबर वन जो है ये है पी ए इज लेस देन इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आपने कहा यार पी तो मूविंग पॉइंट है और ए क्या है? पी जब मूविंग पॉइंट है तो ए तो फिक्स पॉइंट है। कौन सा वाला केस हो गया? ये हो गया सर्कल वाला केस। अब वो कह रहा है P is a moving point and the distance of P from A is not 3, it is less than or equals to 3। तो आपने कहा एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। और आपने कहा सर्कल बनेगा और सर्कल में सेंटर जो है वो होगा हमारा A और जो रेडियस है वो होगा 3। अच्छा अब मुझे लोकस बताना है, मतलब पी कहाँ कहाँ चल सकता है, पी कहाँ कहाँ मूव हो सकता है। तो अगर पी की डिस्टेंस ए से 3 होती ना, फिक्स्ड होती, तो सिर्फ सर्कुलर बाउंड्री के अंदर ही मूव कर सकता था, मतलब सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता था, सर्कुलर सर्कुलर। लेकिन अब डिस्टेंस की कंडीशन क्या है कि पी को, यानी कि बच्चे को मैंने कहा भाई तू मूव कर, तो ऐसे मूव करके भाई या तो तुम जो है वो ए से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हो, यानी कि या तो तुम चेयर से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हो या उससे कम। तो बच्चे ने कहा भाई आज तो पार्टी है, कोई मसला ही नहीं है, मैं 3 सेंटीमीटर रखकर भी घूम सकता हूँ और अंदर की तरफ भी घूम सकता हूँ। इसका ये मतलब वो ये पूरा जो सर्कल की बाउंड्री है वो भी लोकस है, और जो सर्कल की बाउंड्री के अंदर जितना हिस्सा है वो भी क्या है हमारा लोकस। तो यहां से हमें पता चला कि जब पी ए लेस देन इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है तो हम क्या करेंगे, शेड इनसाइड द सर्कल। और लेट सपोज यहां पर मैं करता आपसे के बाद कि आपका केस है पी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो क्या करते हैं आप? सर्कल बनाते और फिर सर्कल के बाहर शेड करते। तो मैं बना नहीं रहा हूं लेकिन आप समझ जाएं कि शेड हमने यहां लिखा शेड आउटसाइड द सर्कल, सही है सर। लेकिन आउटसाइड कितना शेड करेंगे, ये तो फिर जितना भी ग्रेटर हो जाए इन्फिनिटी हो जाएगा। तो सही है, ऐसा ही है। कितना शेड करेंगे, तो सवाल हुदूद सेट करता है। सवाल कहता है क्वाड्रिलेटरल बनवाता है
और क्वाड्रेटर के अंदर सर्कल बनाता है, सही है, एक सर्कल क्वाड्रेटर के अंदर बना, सही है। तो अब सर्कल के बाहर लेकिन क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो दैट हुदूद दैट बाउंड्री विल बी सेट बाय द क्वेश्चन, उसकी टेंशन की बात नहीं है। अभी सवालात करेंगे ना तो अभी अंदाजा होगा सवालात करने कैसे, ये समझने के जो एक हुदूद है ना वो सर्कल की उससे बात, और अगर उसने कोई और हुदूद सेट की है कि भाई यहाँ तक होना चाहिए शेडेड या सर्कुलर या क्वाड्रिलेटरल तक शेड होना चाहिए, तो उस हुदूद के अंदर अंदर तक शेड करना है। ये सवाल देखेंगे तो ये बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी, आउटसाइड कितना शेड करेंगे वो आपको अंदाजा हो जाएगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये हो गया पहला केस। केस टू में मैं कहता हूं आपसे, पी ए इज लेस देन इक्वल्स टू पी बी। अच्छा, वो कभी कभार लफ्जों में उसको इस तरह बयान करता है, पी इज नियर टू ए देन बी, पी इज लेस देन इक्वल टू पी बी ए, वो कहेगा पी इज नियर टू ए देन बी, सही है। तो आपने फौरन कहा यार ये दो पॉइंट्स का जिक्र हो रहा है, पी के मूविंग पॉइंट, नियर टू ए देन बी, तो ए एक पॉइंट बी दूसरा पॉइंट, तो आपके जहन में फौरन दो पॉइंट्स वाला केस चलना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे दो पॉइंट्स है तो ये बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपने कहा सही है, हमने पहले एक लाइन बनाई और फिर हमने जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बनाया, बस सही है, यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, सही है। अच्छा, फिर आपने कहा ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अच्छा, बच्चे को टास्क दिया, बोला चेयर नंबर वन चेयर नंबर टू, एक पॉइंट एक चेयर ए है एक चेयर बी है, दो चेयर से मूव करो। अब जब तुम मूव कर रहे हो तो या तो तुम पी और पी बी की डिस्टेंस दोनों से बराबर डिस्टेंस मूव कर सकते हो या तुम्हारी डिस्टेंस बी से कम हो, नहीं ए से कम हो, सॉरी, पी ए इज लेस देन इक्वल्स टू पी बी, मतलब मूविंग पॉइंट बी शुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम बी, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम बी और ये बराबर हो, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। अच्छा, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ लेट सपोज इक्वल्स टू का साइन नहीं होता या सर्कल वाला जो केस था उसमें पी ए लेस देन इक्वल्स टू नहीं बल्कि पी ए लेस देन थ्री होता तो क्या करते, डॉटेड लाइन, डॉटेड सर्कल बनाते, पी ए लेस देन थ्री में हम सर्कल की बाउंड्री बनाते लेकिन डॉटेड बनाते, ये बताने के लिए कि सर्कल की बाउंड्री वाले पॉइंट शामिल नहीं है, उसके अंदर वाला रीजन शामिल है। इस केस में हमने सॉलिड रीजन बनाया, इससे ये पता चला कि सर्कल की बाउंड्री भी शामिल है और अंदर वाला रीजन जो है वो भी शामिल है, लेकिन अगर ये लेस देन थ्री होता या ग्रेटर देन थ्री होता तो हम डॉटेड बना के ये बताते कि भाई सर्कल की बाउंड्री शामिल नहीं है। सिमिलरली अगर यहाँ वो कहता पी ए इज लेस देन पी बी या पी ए इज ग्रेटर देन पी बी तो हम जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, जो लोकस हमने बनाया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हमारा डॉटेड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता, ये बताने के लिए कि भाई पॉइंट्स ऑन द लाइन आर नॉट इंक्लूडेड। अच्छा, अब उसने कहा P is nearer to A than B, सही है, P is nearer to A than B, तो A से करीब है, A से करीब है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की किस तरफ शेडिंग होगी, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट A की तरफ, बिल्कुल सही। तो हम कहेंगे बच्चा जब मूव करेगा तो वो A की तरफ होगा, तो यहां से हमें पता चला कि हमेशा लेस देन इक्वल टू वाली जो साइड होती है ना उस तरफ शेड होता है, मतलब अगर लेट सपोज ये पी ए लेस, मैं कोई कहेगा पी बी इज लेस देन इक्वल टू पी डी तो मैं बी और डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा और किस तरफ शेडिंग करूंगा, बी की तरफ शेडेड करूंगा, या लेट सपोज पी जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी एफ तो एफ और जी दो फिक्स पॉइंट्स हैं तो शेडिंग किस तरफ होगी,
एफ की तरफ, तो जो साइड लेसर, जो लेसर होता है ना उस तरफ शेडिंग होती है। याद रखें जो लेसर होता है हमेशा शेडिंग उस तरफ होती है। क्या ये बात आपको समझ आ गई? जी सर। तो ये हमारा केस हो गया सेकंड वाला, जिसमें शेडिंग वाली बात आ गई। शेडिंग आएगी तो आप समझ जाएंगे आपको क्या करना है। अच्छा, फिर हम आते हैं केस नंबर थ्री पे। अच्छा, उसने कहा P is within 2 centimeter from AB. केस क्या आया? Moving point P is within 2 centimeter from AB. तो ये किस चीज का जिक्र है? One point का, two point का, one line का, two line का? One line. तो one line का जिक्र है। मैंने कहा एक line बनी और line को हमने नाम दे दिया AB का। Line हो गई AB, सही है? अच्छा, within 2 centimeter from AB, distance is 2 centimeter. आपने लोकस बनाया, लोकस बनेगा यहाँ, ऊपर की तरफ एक लाइन बनेगी, नीचे की तरफ एक लाइन बनेगी और डिस्टेंस उन दोनों की कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, सही है? अब हम कहेंगे कहाँ शेडिंग करें भाई, कहाँ शेडिंग करेंगे? तो ये वाला सारा सारा एरिया कर देंगे सर। ये सारा रीजन विद इन 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो या उससे कम हो, ये सब शेड हो जाएगा। और बोलेगा मोर देन 2 में वो 2 इंक्लूडेड होगा? हां, विद इन 2 मतलब 2 के अंदर अंदर, विद इन 2 यानी कि 2 इज इंक्लूडेड, बिल्कुल सही, 2 या उससे कम। अच्छा, जैसे कि P is nearer to A than B वाला जो केस है ना, इसमें आपका हकीकतन अगर देखा जाए तो PA is less than equals to PB और P is nearer to A than B में फर्क है। क्या फर्क है? कि P is nearer to A than B में dotted perpendicular bisector बनेगा। क्योंकि dotted का मतलब होता है नियर टू ए देन बी का मतलब होता है कि दोनों के डिस्टेंस बराबर नहीं है बल्कि ए से करीब है। जब ए से करीब है तो ए लाइन जो है वो इंक्लूड नहीं होगी। ये हमारा केस नंबर 2 है और केस नंबर 3 भी हमें समझ आ गया। मोर देन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी कहेगा, मोर देन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी, तो पैरेलल लाइन बनाएंगे और उसके बाहर शेड करेंगे। सर, इसमें इक्वल टू का कोई वो नहीं होता? क्या नहीं होता? मतलब मोर देन 2 होगा तो 2 उसमें इंक्लूड। अच्छा, अब लेट सपोज अगर आ गया एटलीस्ट 2, एक लफ्ज आ गया P इज एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम AB, तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। मेरा लैपटॉप एक मिनट बैटरी चार्ज मांग रहा है, मैं चार्ज कर लूं। अच्छा बेटा, हाँ मैं तुम्हारी बात पे आ गए कि एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी लिखा हुआ है, तो एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी का मतलब ये होगा कि 2 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा एटलीस्ट। मैं तुम्हें कहूँ एम, जब तुम खाना खाओ, तुम बहुत कमजोर हो गए, जब तुम खाना खाओ तो एटलीस्ट 2 रोटियां खाया करो, इसका मतलब कम से कम 2 रोटी खानी है, तो 2 रोटी या उससे ज्यादा, समझ रहे हो? जी। तो एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी, और कभी कभार होता है एटमोस्ट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी,
एक मिस्टर जॉनी है, बहुत हेल्दी है माशाल्लाह से। डॉक्टर के पास गए इलाज करवाने, डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर को बोला इतना मैं हेल्दी क्यों होता जा रहा हूँ, कुछ करे मेरा। डॉक्टर ने कहा बेटा एट मोस्ट 2 रोटी खाना, बहुत रोटियां खाते हो, एट मोस्ट 2 रोटी खाना, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 रोटियां खाना। तो एट मोस्ट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम एबी का मतलब है 2 सेंटीमीटर या उससे कम, इसका मतलब होगा लेस देन इक्वल टू 2, और एटमोस्ट 2 का मतलब होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आ रही है बात समझ? जी और जो है शेडिंग के पे केस नंबर 4 पे आते हैं। अच्छा केस नंबर 4 के पी इज नियर टू ए बी देन ए सी, पी इज नियर टू ए बी देन ए सी, तो आपने फौरन से ए बी वाली लाइन बनाई, फिर आपने फौरन से ए सी वाली लाइन बनाई, दोनों इंटरसेक्ट करी, ए पे एक लाइन है ए बी, एक लाइन है ए सी, फिर आपने दोनों का एंगल बाइसेक्टर बनाया, दो लाइन वाला केस है, और फिर आपने कहा अब बताएं शेडिंग कहाँ होगी, पी इज नियर टू ए बी देन ए सी। ए बी के करीब। अच्छा अब हमने कहा इसको डॉटेड बना देते हैं, सही है, डॉटेड क्यों बनाया भाई, क्योंकि ए बी के करीब होना है, बराबर नहीं है ए बी के, ए बी और ए सी बराबर नहीं है, ए बी और ए बी से डिस्टेंस बराबर नहीं है, बल्कि ए बी से करीब है, तो नियर टू ए बी देन ए सी का मतलब होगा कि डॉटेड बनेगा और शेडिंग क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी आपकी शेडिंग। हाँ बेटा समझ आ रही है बात? सर इसमें डॉटेड और सॉलिड लाइन का कैसे पता लगेगा? यहाँ लिखा हुआ है ना पी इज नियर टू ए बी देन ए सी। अच्छा वैसे मैंने ये देखा है मार्किंग स्कीम के मुताबिक, मैं आपको बता दूं अगर, तो वो जब शेडिंग मांगता है ना तो वो इतना ज्यादा डॉटेड सॉलिड पे देखता ही नहीं है, इतना ज्यादा इसकी पेनलाइजेशन या इतना इसमें स्ट्रिक्ट मसला नहीं है, ज्यादातर मसला शेडिंग का जब आता है ना तो शेडिंग ही मांग रहा होता है, वो शेडिंग अगर सही रीजन में हमने की हुई है ना तो मसला नहीं होता इंशाल्लाह, तो बहुत कोई स्ट्रिक्ट मसला नहीं है इंशाल्लाह। सवाल जी करवाऊंगा ना मैं आप लोगों को, तो मार्किंग स्कीम भी साथ साथ में दिखवाऊंगा कि देखो ये मार्किंग स्कीम में किस किस तरह इसने मार्क्स दिए हुए, बस ये शेडिंग देख लें तो कुछ सवाल करते हैं लोकस के इंशाल्लाह। आपने इनक्वायरी वाला पोर्शन कॉपी कर लिया अपने पास? जी सर कर लिया या कर रहे हैं? कॉपी करें, यूनिट 7D पे आ जाए। अच्छा मेरे पास जो टॉपिक्स हैं वो बाद में होंगे तो मैं वहां से स्टार्ट लेता हूँ। ये मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट पेपर में, शुरू के सवाल हम छोड़ रहे हैं अभी, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको यहाँ करवाना चाहता हूँ, मैं यहीं से कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ सबसे पहले एफ में, डॉक्टर ओ लेवल मैथ्स पास पेपर्स ओल्ड जून 2002 क्वेश्चन पेपर 1, क्वेश्चन 6 से हम देखते हैं जून 2002 से।
सर बाकी ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन जो आपने बेसिक सीखी होगी, ट्रायंगल डी और कंपास की मदद से बनाना है तो कैसे बनाना है, ये चीजें पता है? जी सर। देवरी आता है? अगर लेट सपोज ए बी, ए बी 5 है, ए सी 6 है और बी सी 6 है, 7 है और हमें तीनों लेंस दी हुई और ट्रायंगल बनाना है, बना सकती हो? जी कंपास खोला, एक सबसे बड़ी लाइन नीचे बनाई और फिर ए से कंपास खोला, बी से कंपास खोला और आर्क्स मिल गए, ज्वाइन कर लिया, ट्रायंगल बन गया। या अगर प्रोटेक्टर की मदद से बनाना है तो ए बी लाइन बनाई, बी ए सी 60 डिग्री है तो ए पे डी रखा, 60 डिग्री मेजर किया, लाइन खींची और ए बी सी जो है वो 70 डिग्री है, 70 डिग्री मेजर करके लाइन खींची, जहाँ दोनों लाइन मिल गई वहाँ डॉट लग गया सी। सही है ना, हो जाएगा ना ये काम तो इंशाल्लाह। सर वैसे क्लास कितने बजे खत्म होगी? ये कुछ 4:15 तक। 4 और कल, कल तक तो 4 था, अभी 4:15 हो गया। शुरू लेट हुई ना? ये बात भी है। शुरुआत जिस टाइम पे भी हो, हाँ खत्म टाइम पे होनी चाहिए। सर आगे भी टाइम बहुत है ना मेरे, इसलिए। आगे टाइम बहुत है? नहीं मतलब बहुत काम है सर करने के लिए, इसलिए। ओहो क्या बात है भाई, बड़े मसरूफ हो गए अब्दुल गफूर। सर क्या करें सर, अभी सर अच्छा 5 से 7 दो क्लास और हैं। 5 से 7 है? हाँ ना अच्छा किस जगह? सर वो जो आसाम? मैंने आपको नहीं नहीं आपको बताया था ना, वो क्या नाम है, फिजिक्स जो ले रहा हूँ मैं एक लड़के से वहां पे। अच्छा बेटा कॉपी तो कर लिया ना सबने? जी सही है। हमने सर मैं आपको एक लोकस के टॉपिक का एक एक मामा बताता हूँ। लोकस के टॉपिक में मसला ये होता है, क्या सर? एक मामा बताता हूँ, मामा ये क्या होता है? एक मसला, एक अनोखी बात। इतनी गहरी उर्दू ना बोले। देखिए मैं आपको बताता हूँ मसला, पता है क्या है इशू? यहाँ आता है कि जब आपके पास सामने पेपर सवाल है ना, जो उसमें वो कह रहा है कि ए बी की जो लाइन है ना वो उसने 5 सेंटीमीटर बना के दिए, लेट सपोज। तो अगर आपके पास रेड स्पॉट के पास पेपर है उसमें जब आप देखेंगे ना तो वो लेंथ आपकी श्रिंक होके 3 या 4 सेंटीमीटर हो चुकी होगी। एक तो रेड स्पॉट के पास पेपर में वर्किंग स्पेस नहीं होगी तो आप काम कर नहीं सकते उस पर। तो आप पहले जर्नल में आएंगे, जर्नल में उसको बनाएंगे, उसके बाद सारा प्रोसेस चलाएंगे। तो उसने कहा ए बी 10 है तो आप जर्नल में 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे, पूरा प्रोसेस पूरा रिपीट करेंगे, सब कुछ करेंगे। और होता क्या है कि जो आपके पास एयरली पेपर्स होते हैं जो आपको अवेलेबल होते हैं, जो आपको मिलते हैं, वो भी ना A4 पे प्रिंट होते हैं। A4 पेपर पे प्रिंट होते हैं ना सारे, लेकिन आपका जो CI का पेपर है ना वो A4 पे नहीं होता, वो A4 से चौड़ा पेपर होता है, जिसकी वजह से A4 पे प्रिंट होके हमें मटेरियल नजर आता है ना तो वो थोड़ा श्रिंक हो जाता है, थोड़ा बहुत श्रिंक हो जाता है। तो अगर सवाल लेट सपोज ए बी की लेंथ दे रहा है 10 सेंटीमीटर, तो आपको वो नजर आ रही होगी 9.2 सेंटीमीटर, 9.4। तो आप पहले उसको एक्सटेंड करके 10 सेंटीमीटर कर दें, अगर तो एग्जामिनर ने स्पेसिफाई किया हुआ है तो। या अगर स्पेसिफाइड ही नहीं है तो फिर तो आप जो है वो जो आंसर्स लाएंगे अपनी मदद से वो थोड़े बहुत आपके मार्किंग सीन से डेविएट करेंगे। तो इस चीज के ध्यान में रखें कि आपके आंसर्स थोड़े बहुत डेविएट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट शेप आपको खाली CI में मिल सकता है या नहीं मिल सकता। बहरहाल प्रैक्टिस के लिए आपके पास मटीरियल बहुत ज्यादा है, आप इंशाल्लाह उस बेसिस पे काम कर सकते हैं। आइए लोकस का एक आसान सवाल से स्टार्ट लेते हैं, क्वेश्चन 6, उससे आगे बढ़ेंगे फिर। इन द डायग्राम इन द, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, जून 2002। इन द डायग्राम इन द आंसर स्पेस TC, TD एंड AB आर स्ट्रेट लाइंस। पार्ट ए में कहता है
कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पीसी एंड टीडी. हाँ बेटा, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पीसी एंड टीडी क्या बनेगा? एंगल बाय. वेरी गुड. तो एंगल बायसेक्टर बना देंगे, सही है. एंगल बायसेक्टर आपका यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा. यहाँ से आप स्टार्ट लेंगे टी से और एंगल बायसेक्टर को बना लेंगे. और एंगल बायसेक्टर बनाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया. आपने आर खोलना है, यहाँ भी कंपास बनाना है, यहाँ भी आर बनाना है, फिर यहाँ बनाना है, फिर यहाँ बनाना है, मिल जाएंगे. उसको पॉइंट टी से ज्वाइन कर देना है तो आपके सामने गर्मा गर्म एंगल बायसेक्टर हाजिर हो जाएगा. अच्छा, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी. ये क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बायसेक्टर. तो ए एंड बी का परपेंडिकुलर बायसेक्टर बना देंगे आप. तो वही ए बी से ए से लेकर मोर देन हाफ खोलेंगे और मोर देन हाफ खोल के ना आप परपेंडिकुलर बायसेक्टर बना देंगे. अच्छा, ये जो लोकस था ये वाला, लोकस जो हमने पहला बनाया एंगल बायसेक्टर वाला ये, और दूसरा लोकस जो ब्लू से बनाया है, दो लोकस बन गए, एक परपेंडिकुलर बायसेक्टर एक एंगल बायसेक्टर. एंगल बायसेक्टर ने क्या किया, ये एंगल को बायसेक्ट कर दिया और परपेंडिकुलर बायसेक्टर ने लाइन को बायसेक्ट किया और 90 का एंगल बना दिया. द टू लोसाई मीट एट पी. दोनों लोकस कहाँ मिल रहे हैं? पी पे मिल रहे हैं. ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सेंटर पी. ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सेंटर पी. सही है. ड्रॉ द सर्कल. हाँ बेटा, कैसे बनेगा? दोनों लोकस इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पे. ये बात समझ आ गई बेटा सबको? जी सर. हम पी से ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, देन उस इक्वल डिस्टेंस पे एक सर्कल बना देंगे. वेरी गुड, शाबाश. क्योंकि हमें पता है कि ए जो है वो सर्कमफेरेंस पे होगा, बी भी जो है वो सर्कमफेरेंस पे होगा. दोनों पॉइंट सर्कमफेरेंस पे होंगे तो सर्कमफेरेंस से लेकर सेंटर तक जितनी डिस्टेंस होगी हमने मेजर कर ली. तो लेट्स सपोज हमने 2 सेंटीमीटर मेजर की तो वो एक सर्कल बन जाएगा जो पी से पास करता हुआ बी से भी पास करता हुआ एक सर्कल हमारे सामने हाजिर हो जाएगा. बन जाएगा बेटा जी. समझ आ गया कैसे कैसे हमने डील किया इस सवाल को? कोई सवाल यहाँ पर, कोई क्वेश्चन? बिल्कुल आसान है ना जी सर. वैसे सर्कल तो सर टाइट बनाया आपने. ऐसे ही बनता है, क्या करें भाई. चले आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़े. चले एक काम करते हैं, डिस्कस करते हैं. पास पास है ना आपके पास? जी नहीं सर. क्यों नहीं है गफूर सर? बताया था ना फाखिर ले गया सर. वो फाखिर ले गया सर? कल तो आपको बताया था मैंने. नहीं, मुझे तो नहीं बताया सर. वो जुम्मे के दिन मैंने उसको दिए थे काम करने के लिए, तो वो गलती से उठा के ले गया मेरा. कपूर मैं पिक्चर भेज रहा हूँ सर. अगर आपने सारे करवा दिए तो घर के लिए क्या करेंगे? मैं तो बोलता हूँ घर पे करते हैं हम. वो तो करोगे, एक तो डिस्कस तो कर लूँ. एक और डिस्कस करना जरूरी है, फिर उसको इंशाल्लाह मजीद डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन 7 देखते हैं बेटा. थ्री शॉप्स ए बी एंड सी आर सच दैट बी इज 800 मीटर ड्यू साउथ ऑफ ए एंड सच दैट सी इज 1600 मीटर फ्रॉम बी. सी इज 1600 मीटर फ्रॉम बी on a bearing of 120 degree. अच्छा, bearing के concept भी कभी कभार जुड़ जाते हैं. trigonometry में जो bearing हमने पढ़ा हुआ है
बेरिंग की कंडीशंस क्या है? ऑलवेज फ्रॉम द नॉर्थ, मेजर्ड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रिटन एज अ थ्री डिजिट नंबर। कपूर बेरिंग पता है ना? नहीं सर याद नहीं मुझे, बेरिंग याद नहीं। मुझे क्लास नहीं ली थी ना मैंने। तो बेरिंग होती क्या है कि लेट सपोज गफूर एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट से बेरिंग मेजर करनी है, तो मैं उस पॉइंट पे पहले पोल्स बनाऊंगा। उस पॉइंट पे मैंने पोल्स बनाए, यार ये क्या बन रहा है, ये बना लिया। सही है। अब एक पॉइंट है ए, वो कह रहा है द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए इज 120 डिग्री। अब्दुल गफूर जिस पॉइंट से, फ्रॉम के बाद जो पॉइंट होता है ना, वहां पे पोल्स बनते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो मैंने सबसे पहले कहा, मैंने कहा ये सी फ्रॉम ए का की बात कर रहा है, तो मुझे ए भी मार्क करना पड़ेगा और सी भी। तो फ्रॉम के बाद जो पॉइंट है ना वो पहले मार्क करना है। तो पोल्स बनाए और जो ओरिजिन था वहां पर लिख दिया ए। अच्छा, सी की बेरिंग ए से 120 है, और बेरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि बेरिंग हमेशा नॉर्थ से मेजर होती है। तो सही में समझ गए सर, यहां से फिर 120 पे बना देंगे लाइन, यहां से 120 की लाइन आएगी और एक्सटेंड कर देंगे। ये 90 और ये 120, 90 यहां तक होता है, लेकिन ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, लाइन बना देंगे, ये पॉइंट हो जाएगा सी। सही है जी सर, याद आ गया बेरिंग? जी सर। अच्छा बेटा, तो हम कह रहे हैं थ्री शॉप्स ए बी एंड सी आर सच दैट, वो बी की डिस्टेंस दी हुई है, सी की डिस्टेंस दी हुई है, लेकिन ये तो मीटर्स में दी हुई है। अ मैप इज बीइंग ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 200 मीटर। अच्छा, अब आपके पास जो डायग्राम बना हुआ है ना, उसमें 1 सेंटीमीटर 200 मीटर का रेशियो सही तरह फॉलो नहीं होगा, श्रिंक हुआ है। मुझे एक बात बताएं, 800 मीटर का मतलब कितने सेंटीमीटर होगा स्केल के मुताबिक? 8,000। भाई 800 मीटर 200 मीटर, 800 मीटर। मैं सर, आप 8 मीटर पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ 200 मीटर एक सेंटीमीटर की लाइन बनेगी, 4 सेंटीमीटर की लाइन होगी। अब जब तुम स्केल से मेजर करोगे, जो बुक में डायग्राम बना हुआ है एबी का, ये 4 सेंटीमीटर नहीं होगा। तो क्या करोगे? पहले पीस ऑफ पेपर पे आओगे, ब्लैंक पेज पे, और पहले 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे। ब्लैंक पेज पे आके ने 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की, तो 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, तो मेजर किया ये है 4 सेंटीमीटर। सही है। और फिर इसको मार्क किया ए और बी। फिर डायग्राम, क्योंकि वैसे तो डायग्राम बना हुआ आधा काम हुआ है, लेकिन आपको अगर नए सिरे से करना है तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा टाइम लगेगा। तो 120 डिग्री मेजर करेंगे, तो डी रखेंगे यहाँ पर। डी रखना आता है आप लोगों? जी सर। यहाँ डी रखेंगे और डी से यहाँ मेजर करेंगे 120 डिग्री और लाइन बना देंगे, सी आ जाएगा। और कितनी लाइन होगी बी सी? 1600 मीटर है, तो कितने सेंटीमीटर बनेगी? 8 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी, और ये एंगल 120 का होगा। सही है। तो ये आपने अब तक वो काम किया जो ऑलरेडी बना हुआ था। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। द पोजीशंस ए बी एंड सी आर शोन, अनदर शॉप डी इज 1200 मीटर फ्रॉम सी। ये क्या कह रहा है? 1200 मीटर फ्रॉम सी, 1.2.1 लाइन 2 लाइन, कौन सा केस? सर केस नंबर 1, केस नंबर 1, 1 पॉइंट का जिक्र हो रहा है। सही है। तो आपने कहा 1200 मीटर का मतलब होगा 1200 डिवाइड बाय 2, 200
6 सेंटीमीटर खोलेंगे और सी सी पे रख के ना एक सर्कल बना देंगे। ये आप काम डायग्राम पे अच्छी तरह कॉपी में बनाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं ऑन अ बेयरिंग ऑफ 057 डिग्री, तो सी से बेयरिंग 057 है, तो सी पे पोज बनाएंगे पहले, सही है, सी पे पोज बनाएंगे। अच्छा 57 मेजर करना है, तो यहाँ से यहाँ तक 57 मेजर करके और लाइन बना लेंगे। कंप्लीट द मैप टू शो द पोजीशन ऑफ डी। अच्छा ये पूरा सर्कल बनाना इस केस में दरकार नहीं था, क्यों नहीं बनाना था, क्योंकि डी एक पॉइंट है, पूरी बाउंड्री नहीं है, यह पूरा सर्कल बनाने का कोई पर्पस नहीं था। क्या बनाया पता है हमने, क्या किया, एक आर्क बनाया, आर्क 6 सेंटीमीटर पे एक आर्क बनाया और 57 डिग्री पे एक लाइन बनाई, लाइन और आर्क एक पॉइंट पे मिल गए, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ आ रहा है कुछ? जी सर, ये तो और आसान है वैसे, इतना बड़ा सर्कल बनाओ। अच्छा कंप्लीट द मैप टू शो द पोजीशन ऑफ डी, ये काम आपने कर दिया। फिर कहता है न्यू शॉप इज टू बी बिल्ट, एक शॉप बनानी है। शॉप क्या है, नंबर वन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी, कौन सा केस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बी एंड सी से इक्विडिस्टेंट रखे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेंगे, हो जाएगा। अच्छा फिर नियर टू बी सी देन बी ए, मतलब वो इस लाइन पे लाई करेगा, नियर टू बी ए देन बी सी, बी सी देन बी ए, क्या मतलब, एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे ना फिर, सही है, बी सी एंड बी ए का बनेगा एंगल बाइसेक्टर। मैंने बीचो बीच जो है ना इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया। ये हमारा लोकस वन हो गया, लोकस टू हो गया, एटलीस्ट 1200 मीटर फ्रॉम सी, एटलीस्ट 1200 मीटर फ्रॉम सी का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, वेरी गुड, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सी। तब अब ये जो डी है वो भी 6 सेंटीमीटर पे था, भारत पहले सर्कल नहीं बनाया लेकिन अब तो सर्कल बनाना ही पड़ेगा। अभी सर्कल जैसी बात है थोड़ा छोटा बन गया, दरअसल ये ना सवाल के हिसाब से कुछ अलग बनता, अब वो सर्कल पूरा बन रहा होता मुझे शेप भी नहीं पसंद में आएगा कैसे बनेगा सर्कल, अभी सही बनेगा भी नहीं। तो आप सर्कल बनाएंगे पहले, लेट सपोज सर्कल यू बन गया, यहाँ बन गया सर्कल यू बन गया और ये आपने एक्सटेंड किया, ये सर्कल बन गया। यूजिंग रूलर एंड कंपासेस ओनली कंस्ट्रक्ट 3 लोसाई, तो आपने पहला लोकस बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर बनाया एंगल बाइसेक्टर, फिर बनाया सर्कल। हेंस फाइंड वेयर द शॉप कुड बी बिल्ट एंड लेबल द एक्सट्रीम पोजीशंस एस एंड पी, बोले शॉप कहाँ कहाँ बन सकती है, एक्सट्रीम पोजीशंस मार्क करें। तो जब बनाएंगे ना तो आप देखेंगे, आपको आप कंडीशंस देखें, कह रहा है नियरर टू बी सी देन बी ए, इसका मतलब इस लाइन जो ये वाली लाइन है, ये वाली इसके नीचे की तरफ शेड होगा तभी बी सी के करीब होंगे। और वो कह रहा है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी, मतलब इसी लाइन पे होना चाहिए वो लोकस, और एटलीस्ट 1200 मीटर फ्रॉम सी, मतलब सी से 1200 मीटर या उससे ज्यादा। असल में अभी ना सही शेप बन नहीं पाएगा, अभी मैं विजुअलाइज कर नहीं पा रहा हूँ क्या बनेगा असल शेप, तो वो आप बनाएंगे ना जब तो आपको पता चलेगा असल सूरत हाल आ क्या रही है। समझ रहे जी? अब आप लोग सबसे लोकस तो बना लेंगे ना सबके सब? जी सर। लोकस बनाने के बाद एक्सट्रीम पोजिशन वाला मामला अगर समझ ना आए तो अपनी डायग्राम की तस्वीर मुझे भेजना, तो मैं उसकी बेसिस पे तुम लोगों को समझा दूंगा, गाइड कर दूंगा कैसे करना है, क्या कहते हो? सही है सर।